तूने मेरी शर्ट खराब करी है, अब तू मेरे पैसे लाके देगा। मैं कहाँ से पैसे लाके दूंगा? तूने सुना है कभी नाम इसका? ज़ारा की ड्रेस है ये, पूरे 10,000 की, और वो भी। मैंने जितना आपने दबाने के लिए बोला उतना ही तो दबाया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए। अभी रुक, इसको तो इसके बाद हम दिखाते हैं। दिखाते हैं इसकी, इसको कपड़े मत फेंको, मैं वैसे ही गरीब आदमी, मेरी कुर्सी है, कपड़े क्यों फेंक रहे हो? तू कौन होता है, कौन है तू? पहले तो ना तमीज सीख लो। और टेलर, मेरी ड्रेस हो गई? हो गई तो दिखाओ। इतने दिन हो गए थे दिए हुए तुम्हें, अभी तक तुमने किए नहीं। इसने ड्रेस कहाँ पे दी? सड़क छाप पे तूने अपनी ड्रेस फिटिंग के लिए दी? हाँ, देखते हैं कैसे फिटिंग करता है। मैं कुछ देख कर तो देती, तू कहाँ और कहाँ ड्रेस तूने फिटिंग के लिए दी अपनी? इसकी तो कोई शॉप ही नहीं है यार। ये स्टिच किया है इन्होंने? ये तुमने स्टिच किया है? ठीक से तो की है। कहाँ से ठीक करी है तुमने? पहले ये स्टिच कर लाएंगे तुम्हारी। ये स्टिच देखो, इसकी लाइन देखो। पता है मेरी कितनी महंगी शर्ट है ये? पूरे 10,000 की शर्ट है। आपने जितना दबाने के लिए बोला उतना ही दबाया है। आप पहले से मोटी हो गई, दोबारा डाल के देखो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मोटी बोलने की? तूने मेरी शर्ट खराब करी है, अब तू मेरे पैसे लाके देगा। मैं कहाँ से पैसे लाके दूंगा? तूने सुना है कभी नाम इसका? ज़ारा की ड्रेस है ये, पूरे 10,000 की, और वो भी। मैंने जितना आपने दबाने के लिए बोला उतना ही तो दबाया। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए। उसने बोला ना उसे 10,000 चाहिए तो तू दे। सुन, अभी रुक, इसको तो इसके बाद हम दिखाते हैं। दिखाते हैं इसकी, इसको कपड़े मत फेंको, मैं वैसे ही गरीब आदमी, मेरी कुर्सी है, कपड़े क्यों फेंक रहे हो? सुन इधर, जितने की तेरी स्टिच नहीं है ना, उतने की मेरी मर्सिडीज पेट्रोल खा जाती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे 10,000 चाहिए। ये मानेगा नहीं, ये मशीन लेकर। अरे एक मिनट, क्या हो गया? तू कौन? तू कौन होता है, कौन है तू? पहले तो ना तमीज सीख लो। तू कौन है तमीज सिखाने वाला? ये हमें तमीज सिखाए। राइट राइट, ये हमें तमीज सिखाएंगे। अगर तमीज ठीक से सीख जाओगी तो ठीक है। ओ रियली? पहली बात तो जिसकी स्ट्रेचिंग हुई है ना, उससे मैं पोछा लगाता हूँ अपनी कार का। होश में, अपनी औकात बाहर मत जा, समझ गया? तेरी हिम्मत कैसे उसे फेंकने की? औकात वो दिखाते हैं जिनकी खुद की नहीं होती, जिनके पास होती है ना उनकी तो हैसियत होती है। माइंड योर लैंग्वेज, अंडरस्टैंड? पहले मेरी बात, एक तो आवाज नीचे करके बात कर लो, और दूसरी क्या बात हुई भैया? इन्हें ड्रेस फिटिंग के लिए दी, अब ये 10,000 रुपए मांग रही है। जितने दबाने के लिए बोला उतना दबा दिया, अब ये 10,000 मांग रही है। तूने मेरी स्टिच लाइन खराब करी है। 10,000 यहाँ से कमाता भी नहीं हूँ मैं, 10,000 गरीब आदमी कहाँ से? तुझे पता था वो ड्रेस कितनी महंगी है? कहाँ से पलेंगे? कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस है वो मेरी। अरे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस थी तो इतना एक्सपेंसिव टेलर भी देख लेते जाके। और हाँ मैडम, अगर हर दिन तुम्हारी बॉडी अलग अलग तरीके से ना शेपिंग ले रही है ना, तो इसमें ना इस टेलर का कोई दोष नहीं है। तू कौन होता है बोलने वाला? तेरा रिश्तेदार लग रहा है क्या ये? ऐसा ही कुछ समझ लो। लग तो यही रहा है इसका रिश्तेदार। अरे हाँ, मेरा रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार ही है। मेहनत से ना, मेहनत से काम कर रहा है, तुम्हारी तरह ना हरामखोरी नहीं कर रहा। हो तो तू दे दे 10,000 रुपए। अच्छा हाँ, क्या करोगी 10,000 रुपए का? क्यों, जो शर्ट खराब हुई है इतनी दूर से लेकर आए? पता था मुझे यार, क्योंकि तुम्हारी जो औकात है ना वो सिर्फ 10,000 रुपए की है। ये पकड़ और पहली फुर्सत में निकल, दोबारा ना यहाँ दिख मत जाना। उठाओ, 10,000 चाहिए थे ना तुम्हें, लो। क्या हुआ, अब पकड़ो ना। अरे पैसे पकड़ो यार, तुम तो 10,000 रुपए के लिए यार किसी की रोजी रोटी को उठा के ले जाओगे? तुम्हें तो शर्म ही नहीं है यार, है ना? अब तो तुम्हारे कपड़े लंदन से सिल के आएंगे, है ना? तो हवाबाजी वहाँ फेंका करो जहाँ चल जाए। भैया सुनो, क्या हुआ? सॉरी भैया, हमसे गलती हो गई। पता चल गया कि हमने क्या गलती करी है, सॉरी। यार वैसे ये सॉरी ना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हकीकत में सॉरी बोलना है ना तो उससे बोलो जाके। यार एक बात बोलो, एक तो उसने तुम्हारे यार कपड़े फिटिंग करे, और ऊपर से तुम उससे बदतमीजी कर रही हो। आई नो, हमें रियलाइज हो रहा है। फिर यहाँ क्या खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही हो? ये 10,000 रुपए भी ना उससे दे देना, चल दफा हो। सॉरी भैया, सॉरी। ये पैसे आप अपने पास रख लो। और हमने जो भी कहा अब तक आपको, हमें माफ कर देना।